नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब सभी लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रणबीर इस समय प्राची की गोद में लौटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे प्राची के साथ रहने का कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस समय अक्षय बेहद ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं। अक्षय को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाए, वो भी रणबीर के खिलाफ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रणबीर के खिलाफ थोड़ा नहीं बल्कि समय घना ही ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों, बात की जाए रणबीर के साथ साथ में, तो रणबीर के लिए एक बार फिर से जांच पड़ताल करती हुई नज़र आने वाली है खुद अक्षय की बहन मीका। क्योंकि मीका बोलती हुई नज़र आने वाली है कि कुछ तो बुरा हो रहा है मेरे साथ में, और मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लगातार मीका का बोलना यह है कि इस समय प्राची के लिए ही रणबीर, अगर कुछ गलत सलत हुआ तो मैं सबसे पहले प्राची को रास्ते से हटाऊंगी, क्योंकि अब रणबीर को मेरे से कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, वाकई में मीका इस समय रणबीर से प्यार करने लगी है, और रणबीर के लिए मीका कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मीका की अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी है और वो कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकती है। ये भी एक बेहद बड़ी रियलिटी है। हालांकि दोस्तों, रणबीर ने प्राची से बोल दिया है कि प्राची, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, अगर जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं लेके ही जाऊँगा, क्योंकि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारा डिवोर्स किसी भी तरीके से हुआ ही नहीं है, और खुशी किसी और की बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी और मेरी बेटी है। दोस्तों, ये उसकी एक सच्चाई है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच के अपने सपोर्ट।